दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा का मुद्दा विगत 2012 से चल रहा है और उसके चलते अभी तक निवेशकों को पैसा नहीं मिला। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम केवल एक मीडिया की आवाज़ हैं, लेकिन फिर भी निवेशक कमेंट में हमारे कमेंट बॉक्स में कहते हैं कि हमारा फला ज़िले का पैसा कब मिलेगा और ये हमारा पैसा दिलवाइए। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हम केवल आपको जागरूक करते हैं और समय समय पर जो भी अपडेट आती है वो आप तक पहुंचाते हैं। और आज जो दोस्तों हम अपनी ये वीडियो बनाने जा रहे हैं, ये वीडियो अपने आप में बहुत ख़ास वीडियो है और आपसे निवेदन है कि आप चैनल पर बने रहें ताकि आपको पता चल सके कि सहारा और सरकार और सुप्रीम कोर्ट ये तिगड़ी क्या चल रही है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो, सहारा रिफंड VS गृह मंत्री जी की आश्वासना। या दोस्तों, आज हमारा हेडिंग है सहारा रिफंड VS गृह मंत्री जी की आश्वासना। और अब बात कर लेते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की। तो दोस्तों, ये आदेश 31/8/2012 में दिया गया था सहारा इंडिया को कि 15% ब्याज के साथ रिफंड किया जाए। लेकिन जैसे कि हम बताते आ रहे हैं और आप जानते हैं कि जब ये सुप्रीम कोर्ट से आदेश दिया गया, रातों रात सहारा सुब्रत राय ने अपना ये सारा पैसा अदर कंपनी जैसे क्यू शॉप में रातों रात कन्वर्ट कर दिया गया और 6 साल का टाइम दे दिया गया। और जब वो टाइम भी पूरा हुआ तो दोस्तों, ये पैसा सहारा की 4 सोसाइटियों में कन्वर्ट कर दिया गया। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा एक पोर्टल खोला गया था 2023 में। वो पोर्टल दोस्तों विधानसभा के इलेक्शन से पहले झूठी वाहवाही लूटने के लिए और आवाम को ये दिखाने के लिए कि हम सहारा निवेशकों का पैसा दे रहे हैं। तो दोस्तों, वो पोर्टल केवल हवा हवाई साबित हुआ क्योंकि वहाँ पर निवेशकों का पैसा नहीं मिल पा रहा। इसकी वजह बहुत है, उन वजहों में अगर हम जाते हैं तो दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था और आप वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने आपको साफ बताया था कि निवेशकों का पैसा किन कारणों से नहीं मिल पा रहा, क्या वजह है कि सहारा के रिफंड पोर्टल पर जो भी निवेशक अपने आवेदन दे रहे हैं उनमें ज़्यादातर 90% आवेदन रिजेक्टेड हो रहे हैं और पैसा ना होना बताया जा रहा है। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2015 और 16 में सहारा सुब्रत राय को जेल की हवा खानी पड़ी थी और उस वक्त पर सहारा की ब्रांचों के जितने अपर कर्मचारी मैनेजर इन लोगों ने एक बहुत बड़ा गबन किया, क्योंकि 2015 के बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि कोई भी लेन देन नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, सहारा की ब्रांचों में कोई भी लेन देन नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी 2022 तक ये लेन देन किया गया। अब दोस्तों, सहारा सुब्रत राय तो जेल में बंद थे और इनके कर्मचारियों ने अपने अकाउंटों में ये पैसा डालना शुरू कर दिया और निवेशकों को फर्जी बॉन्ड दिए गए, जो बॉन्ड वहाँ पर मेल नहीं खा रहे। यही वजह है जो निवेशकों को सहारा रिफंड पोर्टल से पैसा नहीं मिल पा रहा। अब दोस्तों, बात करते हैं सहकारिता मंत्री अमित शाह की। तो दोस्तों, हमने पैसा तो दिया सहारा की कंपनी को, हमने पैसा डाला सहारा में, यहाँ गृह मंत्री से मध्यस्थता करी गई और पोर्टल लाया गया। 18/7/2023 में ये पोर्टल लाया गया और इसमें कहा गया कि 45 दिन के अंदर सभी का पैसा वापस कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, 45 दिन में ये पैसा किस तरीके से वापस हो रहा है ये भी आप देख रहे हैं। और बात कर लेते हैं दोस्तों अब सांसद की। तो दोस्तों, हम लोगों का मुद्दा कई बार सांसद में गया, लेकिन केवल वो एक मुद्दा ही बनकर रह गया धरातल पर, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। हाँ, एक बात ज़रूर हुई कि बर्ड्स एक्ट 2019 में एक कानून बनाया गया, उस कानून के तहत निवेशकों को, चिटफंड से ठगे पीड़ित निवेशकों को पैसा वापसी का प्रावधान किया गया, लेकिन दोस्तों वो भी केवल कागजों तक सीमित रह गया। जहाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत सभी चिटफंड कंपनियों को पैसा वापस दिया जाएगा।
अब दोस्तों विधानसभा इलेक्शन से पहले पहले सभी निवेशकों को ये कहा गया कि सभी निवेशक अपने बॉन्ड्स पेपर तहसील परिसरों में जमा करें और उन निवेशकों का पैसा 180 दिन में लौटा दिया जाएगा। तो दोस्तों मैं बार बार आपसे यही बताता आ रहा हूँ कि जो हमने फार्म भरे लंबी लंबी लाइनों में लगकर, तो उस फार्म के संकलन में लिखा हुआ था कि 180 दिन में निवेशकों का पैसा वापस कर दिया जाएगा। तो अब दोस्तों समझ सकते हैं कि 2023 के जनवरी के महीने में हम सभी निवेशकों ने वहां पर लंबी लंबी लाइनों में अपने बॉन्ड जमा किए, 180 दिन में पैसा लौटाना था। तो दोस्तों इधर विधानसभा के इलेक्शन और इधर निवेशकों को पैसे लौटाने की प्रक्रिया, अब दोस्तों निवेशकों ने अपने बॉन्ड्स जमा किए, आज 2 साल होने को आ चुके हैं, लेकिन अभी तक उन सभी जितने भी हमने अपने बॉन्ड्स तहसील परिसर में जमा किए उन सभी निवेशकों को एक फूटी कौड़ी भी अभी नहीं मिली। अब दोस्तों तहसील परिसर में जाकर पता किया जाता है तो बताते हैं कि ऊपर से कोई अभी हमारे पास अपडेट नहीं है। और दोस्तों भीतर की बात यह है कि जितने भी हमारे वहाँ पर डॉक्यूमेंट जमा किए गए, जितनी भी हमने अपने डॉक्यूमेंट की छाया प्रति वहाँ पर जमा की गई, वो सब वहाँ पर धूल फांक रही हैं। अब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अंधेरी नगरी चौपट राजा, इस तरीके से यहाँ पर सहारा और सहारा प्रबंधन और सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में विगत 12 सालों से निवेशकों का पैसा अटका हुआ है। और अब जैसे कि आप जानते हैं कि ज़्यादातर निवेशक मर चुके हैं, कुछ कोरोना काल में मर चुके, कुछ अपनी प्रौढ़ अवस्था की वजह से मर चुके। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमें आपको यही बताना था कि सहारा रिफंड VS गृह मंत्री की आश्वासना। तो दोस्तों ये गृह मंत्री की आश्वासना केवल विधानसभा के इलेक्शनों में अपने वोट बैंक के लिए थी। और जो दोस्तों आपके लिए ये पोर्टल खोला गया, उस पोर्टल में आपको मैंने बताया था कि 5,000 करोड़ रुपया से भी विभाग से लिया गया, जो 25,000 करोड़ रुपया आज से 10 साल पहले से उस विभाग के पास पड़ा हुआ है। और उसमें से गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 5,000 करोड़ रुपया निकाला गया। और बात करते हैं प्रोसीजर के चालू होने में कितना पैसा किसको दिया गया, तो दोस्तों मैंने अपनी दूसरी और तीसरी वीडियो में आपको बताया था कि गृह मंत्री द्वारा या दोस्तों जो पैसा दिया गया 245 करोड़ पैसा वापसी में खर्च हो गया और 235 या 34 करोड़ या 29 करोड़ रुपया ही निवेशकों को बांटना दर्शाया गया, यानी कि आधे से ज़्यादा पैसा बांटने में खर्च हो गया और आधा पैसा निवेशकों को देने का बताया गया। लेकिन निवेशकों का कहना कि हमारे अकाउंट में फूटी कौड़ी नहीं आई। तो दोस्तों निवेशकों की संख्या 13 करोड़ और 13 करोड़ निवेशकों का 80,000 करोड़ रुपया, कहाँ 5,000 करोड़ रुपया का प्रोसीजर का झुंझुना। जी हाँ दोस्तों ये झुंझुना गृह मंत्री अमित शाह बजा रहे थे और इसमें से आधा पैसा खुद खा गए और आधा पैसा निवेशकों को देना बता दिया। तो दोस्तों ये पैसा कहाँ लगाया गया, बरकातपुर। या दोस्तों हमारे यूपी में बरकातपुर में एक मिल खोली गई, वो मिल जो खोली गई सहारा के निवेशकों के पैसे से खोली गई और उस मिल को दोस्तों सहारा के पैसे से खोला गया और अमित शाह ने ये पैसा सारा आधा पैसा गबन कर लिया गया, आधा प्रोसीजर में दिखा दिया गया। तो दोस्तों यहाँ पर जब खेत की बाड़ी खा जाएगी तो निवेशकों को क्या मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई अपडेट के साथ, नई अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आचार्य US खान को दें इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साइन आ रहा दोस्तों।